और भाई क्या हाल चाल। देखो आज इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट तुम्हारा करूंगा नहीं मैं, और सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो गाना तो बनता है ना भाई, इंट्रो चला दे। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते आए कुछ मूवी ट्रेलर से। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रे मैन की। द ग्रे मैन नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड और हाई बजट फिल्म्स में से एक है। इसका बजट $200 मिलियन है। सुनकर शॉक हुए ना। द ग्रे मैन नाम की एक नॉवल सीरीज का अडेप्टेशन है। इसे रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट कर रहे हैं। अब रूसो ब्रदर्स को कौन नहीं जानता। इन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसी क्रिटिकल और कमर्शियल हिट्स डायरेक्ट करी हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर दो बातें तो साफ हुई हैं। पहली कि इस मूवी के बजट का मेजर हिस्सा इसकी स्टार कास्ट पे लगाया गया है, और दूसरा इस मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली है। इस मूवी में लीड प्रोटैगनिस्ट का रोल रायन गॉसलिंग प्ले करेंगे। रायन गॉसलिंग एक कमाल के एक्टर हैं, जो कि ब्लेड रनर 2049 जैसी कमाल की फिल्मों में आ चुके हैं। इसकी फीमेल लीड हैं एना डे अरमास, जो कि एक कमाल की एक्ट्रेस हैं, और इसके लीड एंटेगोनिस्ट यानी कि विलन हमारे स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस एवेंस हैं। इस मूवी में धनुष जैसे कमाल के एक्टर्स सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं। ये मूवी अवेलेबल होगी स्ट्रीम करने के लिए 15 जून को नेटफ्लिक्स पे, और इसका एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज भी होगा। नेटफ्लिक्स बेसिकली द ग्रे मैन का एक पूरा यूनिवर्स सेटअप करना चाहते हैं। इसके सीक्वल्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में हैं और इसके स्पिनऑफ्स भी प्लान्ड हैं। तो अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल की। तो इस हफ्ते पैरामाउंट पिक्चर्स ने मिशन इम्पॉसिबल के 7th पार्ट मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1 का भी ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर देख के एक बात तो साफ है कि इस मूवी में एक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये मूवी इस फ्रेंचाइजी की सेकंड लास्ट फिल्म होने वाली है। तो मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं कि ये मूवी किस तरह ईथन हंट के आर्क को एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगी। मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1 2023 में रिलीज होगी। तो अब अपनी प्रथा के अनुसार मार्वल को भी थोड़े कंटेंट के लिए मिल्क कर ही लेते हैं। तो इस हफ्ते मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, और ये ट्रेलर एक ब्रूटल रिप्लाई है उन लोगों को जो इस मूवी को इसके टीजर के बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। ट्रेलर पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है, और सरप्राइजिंगली इस ट्रेलर में जेन फॉस्टर और गौर द गॉड बुचर को भी काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मैं गौर द गॉड बुचर के इस ह्यूमनॉइड लुक से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। हालांकि ऑडियंस का एक छोटा पोर्शन है जो इस लुक को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग गौर का लुक उसके कॉमिक वाले वर्जन की तरह ही होना चाहिए था। क्रिश्चियन बेल जैसे कमाल के मेथड एक्टर का चेहरा एक CGI के पीछे छुपाकर उनके इमोशंस को हाइड करना उनकी मेथड एक्टिंग के साथ इनजस्टिस करने जैसा होगा। हालांकि देखते हैं ये मूवी कैसी होगी। थॉर लव एंड थंडर इस साल 6 जुलाई को रिलीज होगी। मूवी ट्रेलर्स तो बहुत हो गए, अब थोड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की भी बात कर ली जाए। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस न्यूज से। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने द बैटमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को बीट कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने अपने थिएट्रिकल रिलीज के 17 दिनों में $801 मिलियन कमाए, जबकि द बैटमैन का लाइफ टाइम कलेक्शन $769 मिलियन था। तो ये कह सकते हैं कि मार्वल ने DC को फिर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के टर्म्स में बीट कर दिया। तो इस हफ्ते टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन का सीक्वल टॉप गन मैवरिक फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गया। टॉप गन मैवरिक को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं, और ऑडियंस से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसने अपने पहले वीकेंड पे $250 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा है। इसका वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा है, और एक्सपेक्टेड है कि इसके कलेक्शंस आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अब थोड़े बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने उन सभी लोगों को एक ब्रूटल रिप्लाई दिया है जो इस फिल्म को सिर्फ इसके ट्रेलर के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने अब तक 109 करोड़ की कमाई करी है, और अब तक इसके शोज हाउसफुल जा रहे हैं। ये धीरे धीरे कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी हिट बनती जा रही है, और एक्सपेक्टेड है कि ये 200 करोड़ क्लब भी ज्वाइन करेगी। तो अब कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की भी बात कर लेते हैं। धाकड़ का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से बॉम्ब करा है, और अब तक सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ का कलेक्शन करा है। इस फिल्म ने अपने रिलीज के 8th डे पे एक बहुत ही ज्यादा अनवांटेड रिकॉर्ड भी अचीव करा। इस फिल्म ने अपने रिलीज के 8th डे पे पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 20 टिकटें बेची।
हाँ तुमने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 20 टिकटें। ये एक बहुत ही अनवांटेड रिकॉर्ड है कंगना रनौत के लिए, और इस फिल्म के कलेक्शंस में इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल गलत होगा। अब एक ऐसी न्यूज बताता हूँ जो तुम्हारा दिन बना देगी। ड्वेन जॉनसन AKA द रॉक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये रिवील कर दिया है कि उनकी आ रही फिल्म ब्लैक एडम का ऑफिशियल ट्रेलर 8 जून को ड्रॉप करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो करो, और देखते रहो बॉयज ऑफ हुड।